कासगंज में महिला अधिवक्ता के अपहरण व मौत के बाद आजमगढ़ में सड़क पर उतरी महिला अधिवक्तागण, सरकार से की आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग, कलेक्ट्रेट पर सौंपा ज्ञापन। कासगंज में एक दिन पूर्व दीवानी कोर्ट से महिला अधिवक्ता के अपहरण के बाद उनकी लाश मिलने के मामले में कार्रवाई की मांग समेत अन्य मांगों को लेकर आजमगढ़ में दीवानी कोर्ट की महिला अधिवक्ताओं ने गुरुवार को सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। बारिश के बीच महिलाओं ने अपना आक्रोश दिखाया। महिला सुरक्षा, महिला प्रोटेक्शन बिल समेत अन्य मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए महिला अधिवक्तागण दीवानी कोर्ट से कलेक्ट्रेट तक पहुंची और जिला प्रशासन के माध्यम से अपनी मांगों का ज्ञापन मुख्यमंत्री को भेजा। मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की गई। वहीं कहा गया कि अगर जल्द ही सुनवाई नहीं हुई तब आंदोलन को और तीव्र किया जाएगा। महिला अधिवक्ता उषा यादव ने कहा कि कासगंज में महिला अधिवक्ता मोहिनी तोमर का 2:30 बजे दिन में कल अपहरण कर लिया गया, लेकिन अगर पुलिस सक्रिय होती तो ऐसी घटना नहीं हो सकती थी, लेकिन अपहरण के बाद 5 बजे शाम को महिला की लाश मिल गई। यह कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर रही है, इसलिए मामले में मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए और दोषियों को सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले कोलकाता में अस्पताल में डॉक्टर की जिस तरीके से हत्या हुई है, यह बड़ा सवाल है। इस प्रकार की घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि मामले में जल्द कार्रवाई की जाए। वहीं महिला अधिवक्ता विमला यादव ने कहा कि मामले में मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि महिला अधिवक्तागण लोगों को न्याय दिलाने का काम करती हैं, लेकिन आज खुद न्याय के लिए सड़क पर उतरने को मजबूर हुई हैं। सुनते हैं मामले में अधिवक्तागण ने क्या कहा। अच्छा, आज आप लोग मैदान सड़क पे आई हैं, उतरी हैं, क्यों मजबूर होकर उतरी हैं? हम लोग उतरे हैं मजबूर होकर कि आज ये दिन समाज में महिलाओं के ऊपर जो भी अपराध हो रहे हैं, महिलाओं की जो समस्याएं हैं, आज हमारे यहाँ कासगंज की एक महिला जो है कल उसकी 2:30 बजे जो है अपहरण हुआ और 5 बजे उसकी लाश मिली है। मोहिनी तोमर अधिवक्ता थी। अब किन परिस्थितियों में कैसे हुआ, अगर शासन प्रशासन को तत्काल सूचना दी गई, अगर वो जागरूक रहे होते तो अपराधी तत्काल पकड़े गए होते और आज तक हाँ ये घटना ही नहीं होती। कचहरी और दीवानी परिसर से, इसलिए हम लोग जी कासगंज दीवानी परिसर से उनका अपहरण हुआ है और जो है उनकी 5 बजे लाश मिली है। हम लोग उन्हीं के न्याय दिलाने के लिए हम महिला इकट्ठा हुए हैं और हम मुख्यमंत्री जी से ये चाहते हैं कि दोषियों को जल्द से जल्द त्वरित जो है उनको सजा मिले और हमारी मोहिनी स्वर्गीय अधिवक्ता को न्याय मिले। और हमारे लिए भी ये किए है कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। आए दिन हम लोग भी आते जाते हैं, हम किसी पर भी घटना ऐसी हो सकती है, क्या कहीं कोई महिला सुरक्षित है? अभी आपने देखा ही कलकत्ता में बंगाल में एक जो डॉक्टर की हत्या हुई और उसके साथ कितना जघन्य तरीके से जो है रेप हुआ और उसकी लाश किस तरह से क्षतविक्षत मिली है। तो इसलिए हम लोग बहुत ही चिंतित हैं और बहुत ही समाज में व्याप्त बुराइयों को लेकर के जो है हम लोग इसके विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से और जिलाधिकारी को ज्ञापन देना चाहते हैं और माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं। दिन भर न्यायिक कार्य से विरत, हम लोग आज दिन भर न्यायिक कार्य से विरत रहे हैं इनके संवेदना में व्यक्त करने के लिए। ये क्या आंदोलन चलता रहेगा या कुछ? जी हाँ, हम लोग जो है अगर यहाँ से अगर कुछ मुख्यमंत्री जी ने कोई एक्शन नहीं लिया या DM साहब ने कोई वहाँ हम लोग की सूचना नहीं दर्ज कराई तो हम लोग जा करके लखनऊ तत्काल उनसे जा करके जोगी से मिलेंगे और उनसे न्याय की मांग करेंगे। और अब हम लोग कलमबंद भी हड़ताल करने वाले हैं अगर न्याय नहीं मिला तो। जी विमला यादव, और ये जो कल कासगंज दीवानी बार में ये घटना हुई है मोहिनी तोमर जी के साथ जघन्य अपराध हुआ है, इस तरह का मैं सोचती हूँ कि हमारी रूहें कांप जा रही हैं सोच के। आज हम लोगों को महिला अधिवक्ताओं को सड़क पर निकलना पड़ रहा है, ये सरकार की कहीं ना कहीं नाकामी है। हम जो दूसरों का न्याय दिलाने का काम करते हैं, आज हम खुद न्याय मांग रहे हैं। जो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला अधिवक्ता के साथ इतना जघन्य अपराध हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह, विनम्र आग्रह करना चाहती हूँ कि त्वरित कार्रवाई करें और अधिवक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करें, और नहीं तो हम बृहद आंदोलन के लिए बाध्य होंगे।